दिन देश भर में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। अचानक आए भयंकर आंधी तूफान और तेज बारिश ने देश भर में जमकर तबाही मचाई, जिससे अब तक देश भर में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। किसानों की मेहनत पर एक बार फिर से कुदरत ने पानी फेर दिया है और रही सही कसर मंडी प्रशासन ने पूरी की है। मंडियों में किसानों का गेहूं पहुंचा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की होती है, लेकिन झज्जर अनाज मंडी में किसानों के पीले सोने को बचाने के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई, वो इन तस्वीरों से आपको साफ हो जाएगा। मंडी में बारिश से गेहूं को पहुंचाने के लिए न त्रिपाल की व्यवस्था ही की गई और न ही शेड की व्यवस्था की गई, जिसके कारण अचानक हुई तेज बरसात से किसानों का गेहूं भीग गया है और मंडी प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा अब आढ़तियों और किसानों को उठाना पड़ रहा है। भारी नुकसान हुआ है, नुकसान तो भाई होने लग रहे हैं। हम तो ये गाड़ी नहीं मिलती हमारे को, मेन बारिश से नुकसान है। 10 लाख का इस कहर, 10 लाख का मेरा 86 नंबर आनंद का था। कितना गेहूं भीग गया होगा? गेहूं तो भीग गया था, गेहूं उठान तो ना हुआ, जो भरे थे वो सारे भीग गए। जितने कट्टे भरे पड़े हैं वो सारे आप खड़े हो इसमें देख तो कितने ये कितना के नुकसान हो गया होगा ये बताओ। बहुत ज्यादा नुकसान है, कोई समाधान नहीं। झील में गेहूं है ना, सैड कुछ भी नहीं। इस टाइम पर रात में एक की ड्यूटी होनी चाहिए, नहीं ड्यूटी, इस दिन में होनी चाहिए, दिन में भी नहीं ड्यूटी। मुख्यमंत्री ने राउंड किया था झज्जर की मंडी का, फिर भी व्यवस्थाओं पर अब चेक कर लो ना, आप एक बार देख लो। गेहूँ भीग गया आपका? ये सरसों है जी। अच्छा, सरसों भीग गई? हाँ जी, सरसों भीग रही है जी। अच्छा, हाँ जी। खरीद ली थी? हाँ खरीद ली थी। पेमेंट होगी थी? हाँ पेमेंट नहीं हुई है जमींदार की। तो नुकसान आपका ही है? हाँ नुकसान मारा है जी। कितने कितने रुपए की सरसों होगी? 250 क्विंटल है। कितने की होगी? 10 लाख रुपए की मानो। तो 10 लाख का नुकसान होगा आपका? बिल्कुल जी बिल्कुल। गेहूँ भी बिक गया होगा आपने मंडी में देखा होगा? हाँ बिल्कुल, ये देखो ना आप, देखो ये पीछे देखो, गेहूँ बिक रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आओ देखो जी। परेशानी तो ये आ रही है कि बारिश से प्रशासन की लापरवाही के कारण गेहूँ बिक गया पीछे। लापरवाही मंडी प्रशासन की और नुकसान किसानों का। इन्हें ना तो किसानों के दुख से कोई सरोकार है और ना ही उनकी मेहनत का कोई अंदाजा है। अन्नदाता एक बार फिर से लापरवाही की मार झेल रहा है। इस मंडी का ये हाल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बारिश के कारण किसानों का मंडियों में पड़ा अनाज भीग गया था, जिसके बाद खुद सीएम मनोहर लाल ने मंडी का दौरा किया और मंडी प्रशासन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन वाकई में सीएम के इस दौरे के बाद कितना सुधार हुआ, ये तस्वीरें इस हकीकत को बयां करती हैं। खबरें अभी तक के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो झज्जर की मंडी से आपने ये तस्वीरें देखी, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला, किसानों के ऊपर कुदरत की मार देखने को मिली। हमारे संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं झज्जर से। सुमित, मंडी में बीते दिन जो है किसानों का भारी नुकसान हुआ, तेज आंधी तूफान जो आए, तेज बारिश जो हुई, किसानों का मंडी में पड़ा गेहूं एक बार फिर से भीग गया है। मंडी प्रशासन की ओर से अब क्या कुछ सफाई दी जा रही है इस पर? जी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी जब भी गेहूं भेज गया था, लेकिन कल भी कोई बारिश हुई थी तो उस दौरान भी गेहूं भेज गया। आज भी खुले में ही गेहूं रखा गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से कुछ पूर्व पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर झज्जर के अनाज मंडी में दौरा करके गए थे और अधिकारियों को उपायुक्त सहित आदेश दिए गए थे कि जल्द ही गेहूं का उठान हो, नहीं तो कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उन आदेशों की अवहेलना करते हुए जिला प्रशासन ने धजिया उड़ा के रख दी है और आढ़तियों का और किसानों का बहुत भारी नुकसान देखने को यहाँ मिल रहा है और सारा ही गेहूं गला सड़ा, पानी की वजह से सारा गला सड़ा गेहूं हो गया है जी। मुख्यमंत्री खुद इस मंडी का दौरा करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाएं जो है उनमें कितना सुधार हुआ है ये इस रिपोर्ट में जो है वो साफ हो गया है। लेकिन सुमित, इसके साथ ही अभी क्योंकि किसानों और आढ़तियों का भारी नुकसान हुआ है तेज बारिश के कारण, अभी क्या मंडी प्रशासन की ओर से कोई सुध लेने के लिए वहां पहुंचा, प्रशासन की ओर से कोई पहुंचा किसानों से पूछने के लिए, बात करने के लिए? झज्जर की अनाज मंडी में फिलहाल मैं मौजूद हूं और आढ़तियों से या किसानों से इस प्रकार से बात की गई थी कि बारिश से जो गेहूं भेजा है क्या किसी प्रशासन या कोई अधिकारी यहां पे मौजूद आया है या नहीं आया बातचीत करने के लिए। लेकिन आढ़ती और किसानों का कहना है कि
यहाँ कोई अधिकारी अब तक बात करने के लिए नहीं आया, ऐसे ही गेहूँ खुले में ही पड़ा है और कोई उठान की व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पंप है ऐसे के ऐसे रखा है और अधिकारी है वो चुप्पी साधे हुए हैं, हमारे से बात करने तक अब तक कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी सुमित, इसके साथ ही यहाँ पर कितना नुकसान जो है इस अकेली मंडी में बताया जा रहा है, झज्जर मंडी में कितना नुकसान हुआ है बारिश के कारण किसानों को? अवंती का देखे बता दे कि अनाज मंडी में कम से कम 80 क्विंटल, कम से कम 80% के करीब करीब गेहूं खराब हो चुका है मंडी में पानी की वजह से। कुछ पूर्व पहले भी बारिश आई थी, उस दौरान भी गेहूं भीग गया था और अब भी बारिश आई है, उस दौरान भी गेहूं भीग गया, अब भी बादल मंडराए हुए हैं, अब भी नुकसान होने का और भी भय बना हुआ है, इसमें आढ़ती और किसानों की बहुत भारी चिंताएं लगी रही। चलिए बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के ऊपर कुदरत का कहर जो है वो जमकर बरसा, भारी नुकसान किसानों को हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री खुद इस मंडी का दौरा करके आए लेकिन उसके बाद भी सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। किसानों के ऊपर अकेले मार नहीं पड़ी है लेकिन देश भर में कल आए तेज आंधी तूफान की तबाही जो है वो देखने को मिली। कहीं पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली तो कहीं पेड़ गिरे और बिजली के खंभे तक उखड़ गए। कुदरत की ओर से बरपाए गए इस कहर ने देश भर में 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। गर्मी के मौसम में आसमान से गिरती बारिश की बूंदों ने गर्म हवाओं को ठंडी हवा में तब्दील कर दिया। पूरे उत्तर भारत में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश की बूंदें धरती पर पड़ी तो लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी, लेकिन धीरे धीरे इस बारिश ने भयावह रूप ले लिया। ठंडी ठंडी हवाएं तेज आंधी में तब्दील हो गई और फिर बुधवार को इस आंधी तूफान ने भीषण तबाही मचाई। अकेले राजस्थान में 22 लोगों के मरने की खबर है। आंधी तूफान की चपेट में आने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये आंकड़ा सिर्फ राजस्थान का है, उससे सटे राज्यों में भी भयानक तबाही मची है। यूपी में पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने 13 लोगों की जान ले ली। 5 लोग इस मूसलाधार बारिश में लापता हो गए। उत्तराखंड में बादल फटने से भीषण क्षति हुई, जबकि NH पर गाड़ियों से गुजरने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल और हरियाणा के किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा में किसी भी तरह के जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है। दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी तो कई जगहों पर लोगों को जाम से जूझना पड़ा। कई जगहों पर राहत बचाव कार्य चलाकर लोगों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अचानक आई आंधी और बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो बीते दिन आए तेज आंधी तूफान और साथ ही तेज बारिश ने देश भर में जमकर तबाही मचाई। कुदरत का कहर जमकर बरसा और जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है और अकेले राजस्थान की ही बात करें तो 20 से ज्यादा लोगों की जान यहां पर चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही उसके बाद में उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सब काफी नुकसान बताया जा रहा है। कई लोगों की जान जो है यहाँ पर चली गई है, 40 के करीब लोग जो है वो यहाँ पर मारे गए हैं और इसी तरह से देश भर में तबाही देखने को मिली, कुदरत का कहर जमकर देखने को मिला।